जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स के इंग्लिश के रिगार्डिंग, वो कैब जिसको अपन बोलते हैं, वो कैब की। ठीक है, इंग्लिश में किसकी? वो कैब की। वो कैब में क्या आज एंटोनियम सिनोनियम करेंगे, एंटोनियम सिनोनियम पार्ट वन। ठीक, और इसी के साथ मैं इसकी सीरीज़ लगा लाता रहूँगा डेली डेली, या फिर एक दो दिन में एक वीडियो जिसमें 5 से 10 एंटोनियम सिनोनियम रोज़ आपको कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मोस्टली वो करूँगा जो कि आने के चांसेस हैं एयरफोर्स में। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी को डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो मेरे को मेरे पर्सनल ईमेल आईडी, सॉरी इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर ले, और वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकता है @AyushSaini99। और जो भी भाई एयरफोर्स की तैयारी करे उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशाल या फिर लार्ज। अब देखो, इनॉर्मस, विशाल, लार्ज, नाम से पता चल रहा है, तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या है? बिग, लार्ज और इमेंस। अब मैं ये बता देता हूँ, इनॉर्मस और इमेंस दोनों एयरफोर्स में पूछे हुए हैं। ठीक, अब इसका अगर अपोजिट वर्ड देखें तो स्मॉल या फिर टाइनी, ये तो इसके क्या हैं? अपोजिट वर्ड्स हैं। और एक चीज़ याद रखना, जो भी मैं करवा रहा हूँ तुम्हें, जो भी एंटोनियम सिनोनियम करवा रहा हूँ, उनको नोट जरूर करते रहना अपनी कॉपी में, ताकि अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो वीडियो ना देखने पड़े दोबारा, आप कॉपी में से रिवाइज़ कर ले उसको, कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, तो इनको सबको नोट करते रहना टाइम टू टाइम, ताकि कोई दिक्कत ना आए, और रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जितनी बार इनको रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको याद होंगे। अगला है हमारे पास डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। अब मेहनती है, तो मेहनती का सिमिलर वर्ड ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग एंड इंडस्ट्रियस। तो इसके दो सिमिलर वर्ड क्या हैं? हार्ड वर्किंग एंड इंडस्ट्रियस। अब डिलीजेंट जो है, मेहनती है, इसका जो अपोजिट वर्ड होंगे वो क्या हो जाएगा? लेज़ी। मेहनती का अपोजिट लेज़ी, आलसी, या फिर कैजुअल, जो कि कैजुअल है, जो कभी कभार काम करता है उस तरीके से। ठीक है, तो लेज़ी और कैजुअल क्या है? इसके दो अपोजिट वर्ड्स। अगला अगला हमारे पास है ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। बहादुर के सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हैं? कोरेजियस, लाइन हार्टेड, वेलरियस, ये तीनों क्या इसके सिमिलर वर्ड्स, जो सबका मतलब बहादुरी से ही है। इनका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा सभी का? कोवार्ड। बहादुर, डरपोक। ठीक है, अगला हमारे पास है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या है? साहसिक, एडवेंचरस, डेयरिंग। कोई काम, कोई भाई डेयरिंग है, कोई भाई एडवेंचरस है, तो इन सारे कामों के लिए क्या साहस की ज़रूरत है, साहस की। और इसको क्या साहसिक के अंदर ये सारे काउंट होते हैं, कि वो बहुत एडवेंचरस है, वो बहुत डेयरिंग है, वो बहुत बोल्ड है, मतलब उनमें साहस है कुछ अच्छा करने की, ऐसा जिससे बाकी लोग डरते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड क्या जाएगा? टिमिड। टिमिड, दब्बू, पूछा हुआ पर्सन है एयरफोर्स में, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा? टिमिड, दब्बू। नेक्स्ट वन इज कॉन्सील। कॉन्सील मतलब छुपाना, हाइड, सिमिलर वर्ड्स। अपोजिट वर्ड इसका क्या जाएगा? रिवील, किसी चीज़, किसी के राज को रिवील करना, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या है? रिवील, ये भी पूछा हुआ एयरफोर्स में। या फिर आप बोल सकते हैं टू शो। ठीक, ये भी इसका क्या हो सकता है? अपोजिट वर्ड। अगला है कॉन्क्यूर। कॉन्क्यूर मतलब जीतना या फिर विन, तो इसका क्या जाएगा? लूज, मतलब हार जाना है, किसी चीज़ को जीत ना पाना। नेक्स्ट वन इज ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बोना, बोना यानी छोटा, स्मॉल, तो इसका क्या जाएगा? टॉल। ठीक, तो बोने का क्या जाएगा? टॉल। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन ट्रांसियंट। ट्रांसियंट, ट्रांजिट क्या है? क्षणिक, कुछ समय के लिए। ट्रांजिएंट मतलब वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, तो इसको क्या टेम्प्ररी या टेम्परल। ठीक, इसका क्या जाएगा? ट्रांजिएंट क्या है? कुछ समय के लिए, टेम्परल, टेम्पोरल। और इसका अपोजिट वर्ड हमारे पास क्या जाएगा? एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट, ये इसके क्या आ सकते हैं? अपोजिट वर्ड्स आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको आठ आठ के अराउंड ये एंटोनियम और सिनोनियम कराए। नाम 8 है, लेकिन इसके वर्ड आराम से 24 से भी ज़्यादा हो गए। तो आप ये सारे 24-25 जितने वर्ड मैंने करवाए, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और इनको रिवाइज़ करें टाइमली, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए जब भी आपको रिवाइज़ करना हो या कुछ भी करना हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें आपके उन भाइयों के साथ जो एयरफोर्स की तैयारी करें। और किसी को कोई भी डाउट हो, आप मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।